में दिख जाएगा। हाँ ठीक है कनाड़ी, आप देख सकते हैं, ये मत सोचना कि ये रिंग कांटे, देख सकते हैं आप, लेन लगा दे। एक मिनट, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि हम लोगों ने तुझसे जबरदस्ती भाई पूरे होश हवास में करना ना, खुद सहमत हो रहा है, पूरे होश हवास, आप पूरे होश हवास में कर रहा ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल अपना डिक्लेयर। ये है यहाँ पर कनाड़ी का पेड़ और ये सारी यहाँ पे कनाड़ी की झाड़ी है, इसको कहीं बिच्छू घास के नाम से भी जानते हैं और अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम भी हैं इसके। इसकी फोटो तो आपने बहुत बार देखी होगी सोशल मीडिया में, लेकिन आज हम इसका लाइव एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसको जब आप स्किन पर लगाते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो ये हमारे नितिन भाई हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में हमारा साथ दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये उन्होंने कनाड़ी तोड़ी है, आप इस पर देख सकते हैं इसके कांटे कनाड़ी के, और जब इसको लगाएंगे स्किन पर तो क्या इसका असर होता है वो आपको क्या लगता है भाई साहब, ये अगर लगाएंगे कनाड़ी तो इनको कैसा महसूस होगा कनाड़ी लगाने के बाद? मुझे भी गलती से एक बार लग गई थी। अच्छा, इससे मुझे ये अनुभव हुआ, एक तो शरीर में झनझनाहट सी होती है। अच्छा। और बबल से उठने लग जाते हैं। अच्छा। और काफी जो है दर्द का एहसास होता है। अच्छा, तो कब तक इसका दर्द रह सकता है आपके अंदाजे से, कितनी देर तक? हाँ, एक या दो दिन तक रहता है। अच्छा, एक दो दिन तक रहेगा। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, जब चार बहुत सारी चींटियां होंगी ना, वो एक साथ काटती है ना। हाँ हाँ। तो वैसे ही महसूस होता है। अच्छा, जैसे चींटी काटती है ऐसा दर्द होता है, लेकिन इसका नाम रखा गया है बिच्छू घास। बिच्छू घास स्किन पे कुछ प्रभाव इसका पड़ता है? फिर उसके कांटे चुभ जाते हैं ना, तो दाने वाने हो जाते हैं। अच्छा, इसकी कोई दवाई दवाई भी होती है क्या, जैसे लग गया तो क्या इसका दवाई होती है, जैसे घरों में पहाड़ों में? हाँ, हमारे बुजुर्ग वगैरह बताते हैं। अच्छा। अगर गलती से किसी को लग जाए, अच्छा, तो जैसे बच्चों के नाक में सिंगाड़ा आता है, अच्छा, तो उसको भी इसमें लगाने पर, अच्छा, जहाँ पर कंडाली लगी है, अच्छा अच्छा, तो आराम मिलता है। अच्छा, मतलब अगर कंडाली लगी हो तो सिंगाड़ा लगा के कुछ आराम वहाँ पे मिलता है, तैयार रखना है छोटे बच्चे, तो दर्द भी हो सकता है बहुत ज्यादा, तो देख लेना भाई। आप लोग घर में ट्राई बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से इसका जो फीलिंग क्या होती है। कृपया इस तरह का एक्सपेरिमेंट घर पे ना करें, ये यहाँ पर विशेषज्ञों के साथ किया जा रहा है पूरे उसके साथ। तो ये यहाँ पर कहाँ पे लगाएगा भाई कंडाली? यहाँ पे लगाएंगे भाई, यहाँ पे बहुत दर्द होगा इसमें, यहाँ पर कोमल स्किन होती है ना, मेरे हिसाब से यहाँ लगा हार्ड है, तो इसमें देख, बाकी देख ले जहाँ पे तेरे को लगता है ठीक, कहाँ लगाएगा यहाँ पे, चलिए लगा दे। देख सुनो, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि हम लोगों ने तुझसे जबरदस्ती भाई पूरे होश हवास में कर रहा ना, खुद सहमत हो रहा है, पूरे होश हवास, आप पूरे होश हवास में कर रहा ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना डिक्लेरेशन बोलता ना, मैं अपने पूरे होश हवास बोल दे भाई, पूरा होश और हवास में करना चाह रहा हूं ये वाला। क्या करना चाह रहा है? एक्सपेरिमेंट कनाड़ी बोलना, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल आप घर में इसको ट्राई मत करना, दिख जाएगा। हां ठीक है कनाड़ी, आप देख सकते हैं, ये मत सोचना कि ये कांटे, देख सकते हैं आप, अब लगा भाई, जबाक मार बड़े करी, हां मार दे मार दे, पता नहीं भाई, अरे दवाई बता दी तेरे को, 1 2 3 और जोर से मार, एक दो मार मार, तेरी की ज्यादा हो गया क्या, कैसा लग रहा है? ऐसा हो रहा है चुप गया होगा, डंग जैसे डंग लगता है ना हम पे, चींटी जैसे चींटी काटते है, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आ रही है। तो ज्यादा तेज का है या हल्का है? अभी भी धीरे धीरे तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, पहले हल्का था अब तेज हो रहा है, जैसे सुई चुपती है ना, बिल्कुल वैसा ही है, अब धीरे धीरे सुई के चुपने की तरह झंझनाहट। तो स्किन पे कुछ असर अभी दिख रहा है इसका? अभी झंझनाहट, झंझनाहट हो रही है भयंकर, तो ये झंझनाहट बढ़ रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, जिस एरिया में लगा है वहां पे थोड़ा सुन्न होने लग गया है, सुन्न होने लग गया है, तुम्हें भी लगी थी? अरे इनके बारे में पूछो, धान उड़ रहे क्या? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो एक यहाँ पे ये दाने से उठ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 यहाँ पे ज्यादा है, 4 5 दाने ये उठ रहे हैं। झंझनाहट हो रही है मेरी, कहाँ तक हो रही है, मतलब उसी एरिया में या आगे तक है? यहाँ तक हो रही है, अब धीरे आगे भी। अच्छा, क्योंकि इसके जो तो दर्द कितना, मतलब सहन करने लायक, जैसे तेरी एज के हिसाब से सहन करने के लायक है या नहीं? मेरे एज के हिसाब से सहन करने के लायक है, पर बच्चों पे लग गई उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है उनके लिए। हाँ, आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ज्यादा हो गए, ये मोटे मोटे, ये आप देख सकते हैं अभी। और बाकी हम आप लोगों को इसका बताएंगे कि कितने घंटे तक ये दाने रहते हैं, अगर ये और बड़े भी इससे होंगे, जैसे मुझे लग रहा है बड़े हो रहे हैं अब ये धीरे धीरे बड़े, आप देख सकते हैं बढ़ भी रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि कनाड़ी लगाने के बाद होता कैसे है। तो अगर ये दाने बढ़ेंगे या इसका दर्द कब तक रहता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो ये बड़े बड़े हो रहे हैं, तो हाँ बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, जिस एरिया में ये लगे हैं यहाँ, मतलब झंझनाहट हो रही है, सुन हो गया ये वाला, पूरा सुन हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा, हाथ लगा रहा हूँ, झंझनाहट हो रही है, मैं हाथ लगा रहा हूँ, फील हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, झंझन होता ना इससे, तो दर्द सहन करने लायक है ना, हम सहन कर सकते हैं इसको, हाथ को ऐसे कर मोटे मोटे हो गए, तो दवाई लगाने की जरूरत है अभी सिंगाना? नहीं, तो 9 घंटे बाद का ये रिजल्ट है कि यहाँ पर जो भी बबल्स उठे हुए थे, दमला जिनको गढ़वाली में दमला बोलते हैं, तो वो पूरी तरह से बैठ चुके हैं। और बाकी हम नितिन भाई से पूछते हैं उन्हें कैसा फील हो रहा है। तो नितिन भाई कैसा फील हो रहा है, आपको हाथ में कुछ लग रहा है?
लग रहा मतलब थोड़ा झंझनाहट सी हो रही है इसमें। अच्छा, जम जम जिसे बोलते हैं। अच्छा, छू रहा हूँ। अच्छा, बाकी दर्द तो नहीं हो रहा है? मतलब जिस एरिया में कनाली लगी है वहाँ पर थोड़ा कुछ महसूस हो रहा है, हल्का झंझनाहट सी हो रही है उसमें। अच्छा, बाकी दर्द नहीं है। मुझे लग रहा है एक सुबह तक सही हो जाएगा, क्योंकि 8-9 घंटे हो गए हैं। ओके, तो जिस टाइम मैंने कनाली लगाई थी उसी टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने डंक को मार दिया हो उस पर। बाकी एक घंटे बाद नॉर्मली ठीक होने लग गया था। झंझनाहट अभी भी है, और ऐसी चीज़ आप घर में ट्राई बिल्कुल ना करिए। तो ये हमारा कनाली बॉय, ठीक है, इसको लाइक कर रहा है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है। भाई ने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप लोगों को कनाली का लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। तो ये हमारा कनाली बॉय आज से। वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है।